यस, गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नमस्कार, जय हिंद, स्वागत है आप सभी लोगों का आज के सेशन में। लेट मी नो इफ आई एम ऑडिबल एंड विजिबल सो दैट वी मे प्रोसीड अहेड इन टुडेज सेशन। तो 19 अक्टूबर का आज दिन है और हम देखेंगे आज क्या क्या इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर्स में पब्लिश्ड अक्रॉस ऑल द न्यूज़पेपर्स ऑफ द कंट्री। लेट्स बिगिन। आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं दैट आप देख रहे हैं इंडिया का बेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म फॉर यूपीएससी सीएससी प्रिपरेशंस, दैट इज आईएएस टॉपर्स मंत्रा, जिसे खुद रिकमेंड किया इस बार की ऑल इंडिया रैंक वन में श्रुति शर्मा ने। शी वॉच्ड अवर चैनल फॉर मैपिंग रिलेटेड वीडियोज। उस समय मैपिंग के वीडियोज अपलोडेड थे, अभी डेली करंट अफेयर्स के वीडियोज अपडेट हो रहे हैं ऑन अ डेली बेसिस एंड यू कैन वॉच देम आउट हेयर। तो चलिए बढ़ चलते हैं आगे स्टूडेंट्स। मैं बता दूं दैट दिस इज डॉक्टर अनुराग, अ पैशनेट यूपीएससी मेंटर एंड एक्सपर्ट इन द फील्ड फॉर द पास्ट वन डिकेड इन ऑफलाइन मेंटरिंग एंड पास्ट टू इयर्स इन ऑनलाइन मेंटरिंग अपॉन वेरियस एडटेक प्लेटफॉर्म्स। इन यूपीएससी आई हैव अपीयर्ड ट्वाइस फॉर द पर्सनैलिटी टेस्ट इन माई फोर अटेम्प्ट एंड फोर मेन्स। आई हैव ऑल्सो वर्कड एज असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ सेल्स टैक्सेस इन उत्तर प्रदेश स्टेट सर्विसेज फॉर 3 years, आफ्टर विच आई रिजाइन टू परस्यू माई पैशन ऑफ मेंटरिंग द यूपीएससी एस्पिरेंट्स। टेलीग्राम चैनल IAS टॉपर्स मंत्रा पर आकर ले जाइए PDF इस सेशन का। यस, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और मैं बता दूं दैट हमारी कोचिंग अकेडमी हेडक्वार्टर्ड इन पुणे, IAS टॉपर्स मंत्रा हैज लॉन्च्ड वेरियस ऑनलाइन कम ऑफलाइन कोर्सेज विच कैन बी एक्सेस्ड एंड यू कैन कॉन्टैक्ट अपॉन दीज मोबाइल नंबर्स फॉर फर्दर डिटेल्स। मैं मोबाइल नंबर्स पुटअप कर रहा हूँ, आप संपर्क कर सकते हैं फर्दर डिटेल्स के लिए, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी वहीं से। एंड मैं बता दूं 1 year कोर्सेज भी लॉन्च किए गए हैं फॉर 2023, 2 year कोर्सेज भी लॉन्च किए गए हैं फॉर 2024 एंड वीकेंड करंट अफेयर्स मेंटरशिप कोर्स हैज आल्सो बीन लॉन्च्ड। तो 2023 के लिए 1 year कोर्स, 2024 के लिए 2 year कोर्स एंड वीकेंड करंट अफेयर्स मेंटरशिप कोर्स हैज आल्सो बीन लॉन्च्ड, विच इज़ बाय डिफॉल्ट फ्री इन दीज टू कोर्सेज। एंड इसमें डाउन टू अर्थ, PIB योजना, कुरुक्षेत्र, दिस न्यूज़पेपर्स, एडिटोरियल्स, आर्टिकल्स, ग्लोबल गवर्नेंस एंड इंस्टीट्यूशंस इन न्यूज़, रिपोर्ट ऑफ द वीक, सब कुछ कवर किया जा रहा है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट 1 year एंड 2 year कोर्सेज दे हैव, अपार्ट फ्रॉम सेशंस यू गेट फ्री कंटेंट एंड कंटेंट में यू नीड नॉट लुक बियॉन्ड एनीथिंग अपार्ट फ्रॉम व्हाट नोट्स आर गिवन टू यू। तो ये है मोबाइल नंबर स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पुटअप कर रहा हूँ, संपर्क कर लीजिएगा फर्दर डिटेल्स के लिए 8329637094, 7276637094 एंड 7038899438। ये मोबाइल नंबर्स हैं जिन पे आपको संपर्क करना है फॉर फर्दर डिटेल्स। तो चलिए बढ़ चलते हैं स्टूडेंट्स, एटलस निकालिए, GS पेपर 1, 2, 3, 4 मेंस का सिलेबस निकालिए, न्यूज नोटबुक निकालिए, 3-4 कलर के पेन निकालिए और चलिए बढ़ चलते हैं आज के सेशन की तरफ। पहला न्यूज ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर। द फर्स्ट न्यूज इज कमिंग फ्रॉम इंडियन सोसाइटी एंड सोशल इश्यूज, ड्रग्स, ये देखिए, ड्रग्स एंड ड्रग एडिक्शन एंड ड्रग ट्रैफिकिंग, ये देखिए, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ जानकारी दी, आइए पढ़ते हैं क्या है जानकारी। ये देखिए, मेंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टूडेंट, सुप्रीम कोर्ट आस्क द गवर्नमेंट टू डेवलप मॉड्यूल्स ऑन ड्रग अब्यूज दैट कैन रेंडर एज अ ऑर्डर। ऑर्डर जारी करने के लिए कहा गया है सरकार को। जुडिशियल एक्टिविज्म का क्लासिकल एग्जांपल, सुप्रीम कोर्ट जारी कर रही है ये दिस निर्देश दैट द एग्जीक्यूटिव शुड इश्यू अ ऑर्डर, और ये ऑर्डर कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए, लूप होल्स नहीं रहने चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये सुओ मोटो केस उठाया है। देखिए, सुओ मोटो केस उठाया है एंड इट मींस दैट बस एक सिटीजन की चिट्ठी आई थी, दिस द सुओ मोटो केस वाज टेकन अप ऑन द बेसिस ऑफ लेटर फ्रॉम अ सिटीजन टू द सुप्रीम कोर्ट हाईलाइटिंग द अलार्मिंग इंक्रीज इन ड्रग अब्यूज। ड्रग अब्यूज हैज इंक्रीज लाइक एनीथिंग एंड द कंट्री इज फेसिंग दिस मिनेस, बहुत परेशानी की बात चल रही है। आप बताइए, क्या आपको नहीं लगता है स्टूडेंट्स, लास्ट 6-8 months में जो ड्रग्स सीजर हुए हैं और जो ड्रग्स रिलेटेड क्राइम्स हो रहे हैं उसको लेकर कुछ ज़्यादा ही न्यूज़ आ रहा है। यस, तो ड्रग अब्यूज हैज इंक्रीज इन द कंट्री एंड इज ड्रग अब्यूज अ मिनेस टू द सोसाइटी, मुझे बताइए, मिनेस टू द सोसाइटी, यस
तो आपको लिखना है ड्रग अब्यूज के कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेज, कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेज। याद रखिएगा स्टूडेंट्स दैट कॉन्सिक्वेंसेज में एक कॉन्सिक्वेंस जरूर एडअप कीजिएगा, इट बिकम्स अ डेंजर टू इंटरनल सिक्योरिटी एज वेल। इंटरनल सिक्योरिटी इज इंट्रिकेटली लिंक्ड विद ड्रग अब्यूज, ड्रग ट्रैफिकिंग। आई होप यू एग्री, टेल मी स्टूडेंट्स इन द चैट बॉक्स। सुप्रीम कोर्ट का ये निर्देश सरकार के लिए जुडिशियल एक्टिविज्म का क्लासिकल एग्जाम्पल, द फर्स्ट पॉइंट, ये प्लस वन मार्क्स दिलवाएगा अगर आप जुडिशियल एक्टिविज्म के क्वेश्चन में आप लिखिएगा तो ये टॉपिक। सेकेंड पॉइंट, सुओ मोटू, सुप्रीम कोर्ट केस उठा सकता है, उसका भी ये वैल्यू एडिशन है, देखिए यहाँ पर। एंड थर्ड पॉइंट स्टूडेंट्स, मेंस के लिए डिटेल्ड टॉपिक ड्रग अब्यूज एंड ड्रग ट्रैफिकिंग के कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेज, तो ट्राई टू राइट द कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ड्रग अब्यूज इन द कंट्री। एंड कॉन्सिक्वेंसेज में इंटरनल सिक्योरिटी से जरूर लिंक कीजिएगा, क्योंकि इस ये इंटरनल सिक्योरिटी भी एंडेंजर करता है। मैं बता दूं, आपने पढ़ा होगा स्टूडेंट्स गोल्डन क्रेसेंट, हैव यू हर्ड अबाउट इट, टेल मी, एंड गोल्डन ट्रायंगल, हैव यू हर्ड अबाउट इट, मुझे बताइए स्टूडेंट्स। तो कॉजेज द राइज ऑफ ड्रग मिनेज, द कॉजेज लिखिएगा, पांच कॉजेज कम से कम, कॉन्सिक्वेंसेज ये देखिए, इज इट क्लियर, यस यस, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। तो ये सोसाइटी का टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा, और यहां से वैल्यू एडिशन पुट अप करते हैं इस न्यूज से, दैट्स इट। ड्रग मिनेज हैज टेकन अ टर्न फॉर द वर्स फॉलोइंग द कोविड-19 पैंडेमिक, सेज द एडवोकेट शुहैब आलम, द कोर्ट्स एमिकस क्यूरी इन द केस, कोर्ट सेट्स हियरिंग फॉर 5 वीक्स फ्रॉम नाउ। ये देखिए साफ साफ दिखा रहा है कि कोविड-19 पैंडेमिक के बाद और बढ़ गया है ड्रग अब्यूज, उसका भी रीजन लिखिएगा, व्हाई इट हैज इंक्रीज्ड आफ्टर द कोविड-19 पैंडेमिक, ये देखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, इकोलॉजी एनवायरनमेंट डिजास्टर मैनेजमेंट का ये टॉपिक स्टूडेंट्स। पहला टॉपिक ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर, ग्रेजिंग एनिमल्स की टू लॉन्ग टर्म सॉयल कार्बन स्टेबिलिटी। तो बेंगलोर में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस लोकेटेड है, और उसके अंदर में सेंटर फॉर इकोलॉजिकल साइंसेज लोकेटेड है, ठीक है। वहां पर एक चल रहा था रिसर्च, एंड रिसर्च ग्रेजिंग एनिमल्स के ऊपर था, और सॉयल कार्बन स्टेबिलिटी की बात चल रही थी। आइए पढ़ते हैं, द 16-ईयर लॉन्ग स्टडी कैरिड आउट बाई द सेंटर फॉर क्लाइमेट, सेंटर फॉर इकोलॉजिकल साइंसेज Researchers states that large mammalian herbivores like the yak and the ibex play a crucial role in stabilizing the pool of soil carbon in grazing ecosystems such as Piti region in Himalaya. ये Piti region कहाँ पर है? क्या ये हिमाचल प्रदेश में है? मुझे बताइए। यहीं पे yak and ibex, ये देखिए Kul Desert National Park, Kul Desert Biosphere Reserve में ये रहते हैं। Very very important. और एक्सपेरिमेंटल रिमूवल ऑफ ग्रेजिंग बाय हर्बीवोर्स फ्रॉम सच इकोसिस्टम वाज फाउंड टू इंक्रीज द फ्लक्चुएशन इन द लेवल ऑफ सॉयल कार्बन, ये देखिए, विच कैन हैव नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस फॉर ग्लोबल कार्बन साइकिल। अकॉर्डिंग टू द स्टडी, सिंस सॉयल कंटेन्स मोर कार्बन देन ऑल प्लांट्स एंड एटमोस्फियर कंबाइंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, ये हम लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है स्टूडेंट्स, ये हम लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है, सॉयल कंटेन्स मोर कार्बन देन ऑल प्लांट्स एंड द एटमोस्फियर कंबाइंड, ये स्टेटमेंट याद रखिएगा। सो इट इज इंपॉर्टेंट टू एंश्योर इट्स परसिस्टेंस, ये देखिए, व्हेन प्लांट्स एंड एनिमल्स डाई, डेड और ऑर्गेनिक मैटर रिमेन्स इन द सॉयल फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन बिफोर माइक्रोब्स ब्रेक इट डाउन एंड रिलीज कार्बन इन टू द एटमोस्फियर एज कार्बन डाइऑक्साइड। इसका मतलब साफ है, जब ऑर्गेनिक मैटर वाले ऑर्गेनिजम्स मीन्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स जब भी डेथ होती है, तो उसका ऑर्गेनिक मैटर अच्छे खासे समय तक सॉयल में रहता है। देखिए यहां पर सॉयल कार्बन साइकिल, देखिए ये देखिए सॉयल कार्बन साइकिल, ये देखिए स्टूडेंट्स, तो ये देखिए प्लांट्स हैं, ये देखिए कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स ले रहे हैं और फूड प्रिपेयर कर रहे हैं, ये देखिए, उसके बाद इनके डेथ के बाद, ये देखिए डेथ के बाद इट्स गोइंग डाउन एंड दिस इट इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल कंपाउंड्स, प्लांट एंड माइक्रोब्स आर देयर, माइक्रोबियल फैक्ट्री इज देयर, ये देखिए अंदर में फैक्ट्री की तरह काम कर रहे हैं माइक्रोब्स, एंड साथ में देखिए दिस देयर आर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स ऑल्सो, लिग्निन सेलुलोज एंड हेमी सेलुलोज, ये देखिए क्लियर है, ये देखिए।
तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, सिंपल कंपाउंड, ये देखिए अलग अलग ये प्लांट्स के अंदर, हमारे बॉडी के अंदर भी, और अंदर में माइक्रोबियल फैक्ट्री चल रही है देखिए। और फैक्ट्री से देखिए, ये फैक्ट्री किसी भी इंडस्ट्री के फैक्ट्री से कहीं तेज फैक्ट्री है, क्योंकि ना तो यहाँ पर जीरो कोविड स्ट्रेटजी का कंसेप्ट है, और ना ही यहाँ पर कोई लॉकडाउंस हैं, और ना ही यहाँ पर कोई भी स्ट्राइक्स हैं, पूरा तेजी में ये काम कर रहा है फैक्ट्री, ये देखिए। और ना यहाँ पर मून लाइटिंग है, ये देखिए। इन शॉर्ट द माइक्रोब्स आर वर्किंग डे एंड नाइट टू ब्रेक दिस ऑर्गेनिक कार्बन, एंड उसके बाद ये ऑर्गेनिक कार्बन रिलीज होकर देखिए इफ्लक्स होता है एज कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन उस समय तक ये स्टेबल कार्बन पूल का हिस्सा रहता है सॉइल के अंदर, ये देखिए। पार्टली डिकम्पोज प्लांट मटेरियल, एक्स्ट्रा सेलुलर मेटाबोलाइट्स एंड माइक्रोबियल नेक्रोमास, ये कंप्लीट सॉइल के अंदर ऑर्गेनिक, सॉयल ऑर्गेनिक कार्बन कहते हैं इसे, ये देखिए। इट्स मच, द अमाउंट इज मच ग्रेटर देन द टोटल ग्लोबल कार्बन, ये देखिए टोटल ग्लोबल कार्बन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, ठीक है। क्या ये क्लियर हुआ मुझे बताइए स्टूडेंट्स। तो यही अंदर में जो सॉयल ऑर्गेनिक कार्बन है, इसी का स्टडी किया था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर के साइंटिस्ट ने, एंड दे केम टू अ कंक्लूजन दैट अगर ये सॉयल ऑर्गेनिक कार्बन को हमें स्टेबल रखना है, तो स्टेबल पूल रखना है, तो इन दैट सिनेरियो ग्रेजिंग एनिमल्स का रोल रहता है वहां पर। अगर ग्रेजिंग एनिमल्स नहीं रहेंगे तो नेगेटिव कंसीक्वेंसेस आ रहा है सॉयल ऑर्गेनिक कार्बन के ऊपर, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है देखिए। तो द सॉयल पूल इज रिलायबल सिंक फॉर ट्रैपिंग कार्बन, मेंटेनिंग स्टेबल लेवल्स ऑफ कार्बन इन द सॉयल इज देयरफॉर की टू ऑफसेटिंग द इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। यस, ये तो सबसे बड़ा कार्बन सिंक हो गया, नहीं मुझे बताइए, ये सबसे बड़ा कार्बन सिंक हो गया। अ की फैक्टर अंडरलाइंग द कार्बन लेवल फ्लक्चुएशन वॉज नाइट्रोजन, ये देखिए और भी एक बड़ा फैक्टर, नाइट्रोजन ऑल्सो इम्पैक्ट्स द कार्बन लेवल इन द सॉयल, डिपेंडिंग ऑन द सॉयल कंडीशंस नाइट्रोजन कैन ईदर स्टेबलाइज और डिस्टेबलाइज द कार्बन पूल। ग्रेजिंग बाई हर्बीवोर्स हाउएवर चेंजेस देयर इंटरेक्शंस इन वेज दैट टिप द बैलेंस इन फेवर ऑफ द फॉर्मर, ये देखिए स्टेबलाइजेशन, यानी ग्रेजिंग एनिमल्स स्टेबलाइज द कार्बन पूल, ये देखिए। ये स्टडी 16 साल का स्टडी देखिए निकालकर यहाँ लाया गया, ये देखिए। क्या ये क्लियर हुआ, सॉयल ऑर्गेनिक कार्बन, ग्रेजिंग एनिमल्स, इकोलॉजी, इकोसिस्टम, नाइट्रोजन का असर कार्बन के ऊपर, ठीक है। एंड सॉयल ऑर्गेनिक कार्बन टोटल अमाउंट इज मच ग्रेटर देन टोटल ग्लोबल कार्बन एग्जिस्टेंट एल्सवेयर, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये पहला टॉपिक फिनिश एनवायरमेंट इकोलॉजी का। सेकेंड टॉपिक प्रीलिम्स के लिए बहुत ही जरूरी है, देखिए। 6 स्पाइडर स्पीसीज डिस्कवर्ड अक्रॉस द कंट्री, स्पाइडर मैन याद आ गए यहाँ से, 6 स्पीसीज ऑफ स्पाइडर्स, अलग अलग प्रकार के स्पाइडर्स, ये देखिए क्या बात है, ये देखिए अलग अलग कलर, अलग अलग वैरायटी, अलग अलग शेप। अब आप कहिएगा कि सर ठीक है, इसमें कहाँ ये कौन से हैं बताइए सर, तो सिलेबस बढ़ गया, चिंता की बात है, अब क्या कीजिएगा, चिंता की तो बात है, लेकिन और कर ही क्या सकते हैं आप, कुछ और कर सकते हैं नहीं, आपको ये पढ़ना पड़ेगा। तो एरेक्नोलॉजिस्ट फ्रॉम द सेंटर फॉर एनिमल टैक्सोनॉमी एंड इकोलॉजी इन केरल, ये देखिए एरेक्नोलॉजिस्ट कौन होते हैं, ये पढ़ लीजिए। एरेक्नोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ एरेक्नीड्स विच कंप्राइज स्पाइडर्स एंड रिलेटेड इनवर्टिब्रेट्स सच एज स्कॉर्पियंस, सूडो स्कॉर्पियंस, ठीक है। दोज हु स्टडी स्पाइडर्स एंड अदर एरेक्नीड्स आर एरेक्नोलॉजिस्ट, ये देखिए क्या ये क्लियर है मुझे बता दीजिए। अब ये स्पाइडर सब भी आपका दुश्मन ही है लग रहा है मुझे, नहीं सिलेबस बढ़ा रहा है, देखिए देखते हैं कहाँ कहाँ पाए गए हैं ये 6 प्रकार के स्पाइडर, ये देखिए कंपटीशन लगा हुआ है, कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म देखिए यहाँ पर, हर स्टेट से मिल रहे हैं, ये देखिए इस जगह पर ये गारो हिल्स मेघालय से एक पाए गए हैं भाई साहब, ये देखिए गारो हिल्स मेघालय, तो पहला ये वहां से, सेकेंड थार डेजर्ट, ये देखिए थर्ड दिस वायनाड सेंचुरी, कुछ वायनाड के बारे में पता है आप लोगों को बताइए मुझे, ये देखिए ओके वायनाड सेंचुरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एंड फोर्थ कोटापरा हिल्स, ये देखिए ये भी देखिए गारो हिल्स मेघालय में, मार्क कर लीजिएगा स्टूडेंट्स, ठीक है मार्क, गारो हिल्स इन मेघालय। थार डेजर्ट, यानी कि स्पाइडर्स आर नॉट ओनली फाउंड इन ह्यूमिड क्लाइमेट्स, देर आल्सो फाउंड इन ड्राई क्लाइमेट्स, इज दिस क्लियर मुझे बताइए।
दे आर ऑल्सो फाउंड इन ड्राई रीजन्स. उसके बाद देखिए वैयानाड, वैयानाड इन केरल, कोट्टापरा हिल्स इन केरल, ये देखिए कोट्टापरा हिल्स ऑल्सो इन केरल, ये देखिए तो ये शायद स्पाइडर का स्पीसीज ये दिखा रहा है कि वन ऑफ द मोस्ट अडेप्टेड टू वाइड रेंज ऑफ डाइवर्सिटी, यस टू वाइड रेंज ऑफ एनवायरमेंटल कंडीशंस दे आर अडेप्टेड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो केरल जैसे और गारो हिल्स जैसे ह्यूमिड क्लाइमेट से लेकर ये पाए जा रहे हैं थार डेजर्ट के ड्राई क्लाइमेट तक स्पाइडर्स. दिस शोज स्टूडेंट्स दैट दे आर वाइडली मीन्स वाइड अडेप्टेशन आर देयर इन स्पाइडर्स. और ये देखिए एक और भी जगह है अथिरापल्ली, यहाँ से भी मिला है स्पाइडर एक, ये भी केरल में है. यानी वैयानाड, कोट्टापरा एंड अथिरापल्ली आर इन केरल, थार डेजर्ट इन राजस्थान, गारो हिल्स इन मेघालय, यहीं से ये स्पाइडर्स मिले हैं, याद कर लीजिएगा स्टूडेंट्स. क्या ये क्लियर है मुझे बता दीजिए. तो ये देखिए पहला स्पीसीज है ये the studies in Garo Hills of Meghalaya resulted in the first spotting of the genus Siam Spinops from India. ये important नहीं है इसका scientific name, इतना याद रखिएगा. So this is what is important. अच्छा मुझे ये बताइए कि क्या all spiders are venomous or not, मुझे बताइए venom होता है कि नहीं, जहरीले होते हैं कि नहीं, मुझे बता दीजिए. ये जहरीले भी होते हैं और नहीं भी होते हैं जहरीले, बहुत ही important point है. देखिए यहाँ पर ये दिस स्टेटमेंट हैड कम अप इन इंडियन एक्सप्रेस एक्सप्लेन्ड पेज लास्ट ईयर. ये देखिए द यहाँ लिखा हुआ है इनमें से एक स्पाइडर स्पीसीज लैक्स ऑफ वेनोम ग्लैंड, ये देखिए बाकी सब में वेनोम है, जहरीले हैं और कुछ नहीं भी जहरीले हैं, ये इम्पॉर्टेंट है पॉइंट. और ये देखिए यहाँ पर डिसीडियस फॉरेस्ट में भी पाए जा रहे हैं, एवरग्रीन फॉरेस्ट में भी पाए जा रहे हैं, थार डेजर्ट में भी पाए जा रहे हैं और गारो हिल्स में भी पाए जा रहे हैं, जैसे कि यूपीएससी एस्पिरेंट्स हर जगह पाए जाते हैं, इट्स यूबीक्विटस. तो यहां से केवल लोकेशंस आर इंपॉर्टेंट, लोकेशंस गारो हिल्स, थार डेजर्ट, वैयानाड, कोट्टापरा हिल्स एंड अथिरापल्ली. एंड प्रीलिम्स के लिए लोकेशंस इंपॉर्टेंट है और प्रीलिम्स में ही स्टेटमेंट्स आ सकते हैं. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट स्पाइडर्स. फर्स्ट, ऑल स्पाइडर्स are venomous. Second, spiders are found only in tropical humid conditions. दोनों statements wrong है, आप समझ सकते हैं कौन से वाले से स्पाइडरमैन बन सकते हैं. अब ये तो जाकर आप टेस्ट करवा लीजिए, वहां पर समझ में आ जाएगा, वो स्पाइडर खुद ही बता देगा क्या बनाएगा वहां से. चलिए आगे बढ़ते हैं. एंड अरेक्नोलॉजी क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड है, देख लीजिएगा. नेक्स्ट, ये देखिए जिराफ, ये जिराफ ब्रॉट टू इंडिया बाय ब्रिटिश मे बिलोंग टू एंडेंजर्ड स्पीसीज. जिराफ के बारे में एक चीज बहुत फेमस है, तो क्या फेमस है, इन लोग ये गजब के इनका कंसंट्रेशन हाइट्स पे रहता है. ओके, जस्ट 4 years back आई हैड विजिटेड वेंडलुरु जू इन चेन्नई और फिर सफारी पे गए थे अंदर, ठीक है, मीन्स थोड़ा सा घुमाने ले गया था अंदर. तो वहाँ पर उसने कहा सारे एनिमल्स दिखाए जाएंगे, उन्होंने कहा ठीक है दिखाओ सारे एनिमल्स, बहुत अच्छी बात है. तो एनिमल्स दिखा रहा था वो बंदा, उसके बाद उसने कहा ये देखिए जिराफ है वहाँ पर. जिराफ है, कहाँ है जिराफ, यहाँ पर मुझे दिखाई नहीं दे रहा था कुछ भी, बिकॉज अरे एनिमल तो मूव करेगा ना, कुछ ना कुछ तो मूवमेंट होगा. सो इट वॉज लाइक 5 minutes स्टेयर करना पड़ा, उसे दिख रहा था मुझे नहीं दिख रहा था. उसके बाद ठीक है, उसके बाद द जिराफ, जिराफ का एक जो ईयर है, एक ईयर उसने ट्विच किया, जरा सा मूव किया, तब मालूम चला कि ये पेड़ नहीं है, जिराफ है. और इसी से मीन्स दे आर वन ऑफ द मोस्ट यू कैन से देर वन ऑफ द एनिमल्स विच हैव द हाइएस्ट कंसंट्रेशन पावर, यस शायद यूपीएससी एस्पिरेंट से भी ज़्यादा नहीं. चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ है इनके बारे में. तो अबाउट 150 years ago ब्रिटिश कॉलोनियलिस्ट ब्रॉट बैचेस ऑफ व्हाट दे थॉट वर अ सिंगल स्पीसीज ऑफ नॉर्दर्न जिराफ. ये देखिए तो ब्रिटिशर्स तो कुछ भी करके मींस कहीं से कहीं सबको ले गए हैं, ये देखिए. और देखिए ये देख रहे हैं इस जिराफ को, ये मूव नहीं करेगा, ये 2-3 घंटे ऐसे ही रहेगा.
2-3 hours तक कुछ नहीं से होता है. मीन्स यूपीएससी एस्पिरेंट्स आर आल्सो लाइक यार पेन थोड़ा चला लेते हैं, थोड़ा सा कॉपी बंद कर देते हैं, थोड़ा सा घूम लेते हैं, थोड़ा सा मोबाइल देख लेते हैं. ये जिराफ ऐसा एनिमल है, ये अपना कान तक मूव नहीं करेगा, 2 घंटे लग जाएंगे मूव करने में. ये देखिए, तो आइए देखते हैं क्या लिखा हुआ है. ये याद कीजिए, ब्रिटिश कॉलोनियलिस्ट कुछ और भी लेकर आए थे क्या इंडिया में? लैंटाना कैमरा, सुना है आपने? मुझे बताइए, लैंटाना कैमरा काजीरंगा वाले न्यूज में आज से 3 महीने पहले हम लोगों ने पढ़ा था. ये देखिए, लैंटाना कैमरा इज अ इनवेजिव वीड स्पीसीज. यस, इट केम विद द ब्रिटिश कॉलोनियलिस्ट, इट केम अप फ्रॉम यूके टूवर्ड्स इंडिया. ये देखिए, अब आप कहिएगा कि सर अच्छा सर, क्या ये लैंटाना कैमरा क्या इनवेजिव स्पीसीज में आ सकता है? यस, काजीरंगा वाला न्यूज देख लीजिएगा. नहीं, आइए देखते हैं. तो ये सोचते थे ब्रिटिशर्स ना कि ये एक ही स्पीसीज का जिराफ है, लेकिन बाद में मालूम चला, अभी रिसर्च हुआ, इतने साल बाद रिसर्च हुआ, 150 साल के बाद, तो मालूम चला ये 2 अलग अलग स्पीसीज के जिराफ हैं. ठीक है, ये देखिए. तो एंड दिस जिराफ स्पीसीज माइट बी क्रिटिकली एंडेंजर्ड. ये देखिए, वहां खत्म हो गए हैं, इंडिया में रह गए हैं. ये देखिए, लगभग खत्म होने के कगार पे खड़े हैं. कौन से जिराफ का नाम है ये? नूबियन जिराफ. नूबियन डेजर्ट, सुना है आपने? मुझे बताइए, वेयर इज नूबियन डेजर्ट स्टूडेंट्स? टेल मी इन द चैट बॉक्स. ये देखिए, एंड ऑल्सो एंडेंजर्ड रॉथशाइल्ड जिराफ. ये देखिए, सो नूबियन जिराफ आर फाउंड इन नूबियन डेजर्ट, विच इज नूबियन डेजर्ट के जस्ट साउथ में, इथियोपिया के आसपास, मीन्स नॉर्दर्न रीजन्स के अफ्रीकन कंट्रीज में. नूबियन डेजर्ट से कुछ याद आ रहा है, इजिप्ट में है, रिवर नाइल के ईस्टर्न साइड में. बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रिवर नाइल के ईस्टर्न साइड में. रिवर नाइल डिवाइड द सहारा डेजर्ट इंटू 2. वन इज द वेस्टर्न सहारा डेजर्ट एंड द सेकेंड इज ऑन द राइट हैंड साइड जस्ट नियर द रेड सी कोस्ट इज द नूबियन डेजर्ट. मार्क कर लीजिए अभी. इज दिस क्लियर? एंड द नूबियन डेजर्ट, देखिए नॉर्दर्न जिराफ, इसकी जीनोम सीक्वेंसिंग की गई, पता लगाया गया है कि ये कौन से स्पीसीज का है जिराफ. एंड सेकेंड इज रॉथशाइल्ड जिराफ, ये भी पाया जाता है उसी जगह पर. ये रॉथशाइल्ड जिराफ इज एंडेंजर्ड एंड नूबियन जिराफ इज क्रिटिकली एंडेंजर्ड. बोथ ऑफ देम वर ब्रॉट बाय द ब्रिटिशर्स 150 इयर्स बैक. ये देखिए, अब आप कहिएगा कि सर इस न्यूज को कहाँ कहाँ लिंक करेंगे, बता दीजिए थोड़ा सा. ये जीनोम सिक्वेंसिंग का न्यूज है स्टूडेंट्स. ये देखिए, दिस इज अ न्यूज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन. ये देखिए, मुझे बताइए, बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशंस में जीनोम सीक्वेंसिंग आता है? यस, जीनोम सीक्वेंसिंग हेल्पिंग अस इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पीसीज. ये देखिए, वहां पर वैल्यू एडिशन. सेकंड, टेल मी स्टूडेंट्स, कल हम लोगों ने पढ़ा था वाइल्ड लाइफ डिप्लोमेसी, जो आज की तारीख में बहुत आगे बढ़ चली है. वाइल्ड लाइफ को लेकर जो जूलॉजिकल डिप्लोमेसी की बात चल रही है. सो कैन दिस जिराफ ऑल्सो फर्दर द रिलेशन बिटवीन 2 कंट्रीज? देखिए क्या दिन आ गए. जिराफ भी कहेगा, देखो यार क्या दिन आ गए, मेरे को एक्सपोर्ट इंपोर्ट करके जो रिश्ते सुधार रहे हैं, क्या बात है. वहां से चीता आया, अभी इंडियन बाइसन जाएगा श्रीलंका, अब जिराफ लाया जाएगा नूबियन डेजर्ट में फ्रॉम इंडिया. तो यू कैन सी इट हियर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, इस जगह पर जूलॉजिकल डिप्लोमेसी. और प्रीलिम्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? नूबियन डेजर्ट कहां पर है? यस, लैंटाना कैमरा कहां से आया था? ओके, एंड इवन जिराफ नूबियन जिराफ कौन लेकर आया था? ब्रिटिशर्स हैड ब्रॉट देम, दैट्स इट. तो दीज आर द 3 न्यूज विच हैव कम अप इन इकोलॉजी, एनवायरमेंट, ग्रेजिंग एनिमल्स, स्पाइडर स्पीसीज, जिराफ. ये देखिए, चलिए आगे बढ़ जाए स्टूडेंट्स. दिस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नेंस एंड पॉलिटी से पहला न्यूज ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर, कोविड टू अनडू प्रोग्रेस इन पॉवर्टी लेवल्स. क्या कल मल्टी डिमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स रिलीज किया गया? मुझे बताइए, MPI आपने कल पढ़ा था स्टूडेंट्स. ये देखिए, एंड MPI में आपने डिटेल पढ़ लिया, मैं उसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं बताने वाला हूँ. ये देखिए, UNDP का और ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव का ये ज्वाइंट असेसमेंट होता है. इट ट्राइज टू टेक आउट द पॉवर्टी लेवल्स इन द कंट्रीज विद द हेल्प ऑफ 10 इंडिकेटर्स. इज दैट क्लियर? मुझे बताइए.
अब आप कहिएगा कि सर यहां पर क्या एक्स्ट्रा न्यूज है मुझे बताइए, आइए देखते हैं क्या एक्स्ट्रा न्यूज है। स्टूडेंट्स पॉवर्टी यूनिडायमेंशनल, क्या बात है ये देखिए, मल्टी डायमेंशनल, क्या बात है ये देखिए, मल्टी डायमेंशनल में 10 इंडिकेटर्स अभी एमपीआई में। यूनिडायमेंशनल का मतलब क्या होता है, मॉनेटरी पॉवर्टी, पैसे की पॉवर्टी। अब ये मत कह दीजिएगा सर मैं अभी पुअर हूं, सर मेरे पॉकेट में सर पैसा नहीं है, 20 रुपए भी नहीं है, ठीक है। मॉनेटरी पॉवर्टी इज द लैक ऑफ एक्सेस या लैकिंग एक्सेस टू द करेंसी और मनी और द मीडियम ऑफ एक्सचेंज विच इज वेरी वेरी असेंशियल टू गैदर रिसोर्सेज, विच इज वेरी वेरी असेंशियल टू बाई गुड्स एंड सर्विसेज, विच इज वेरी वेरी असेंशियल टू दिस टू टेक गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई योर नीड्स। मुझे बताइए क्या पैसे की बहुत जरूरत पड़ती है, ये देखिए पैसा पैसा पैसा, ये देखिए नहीं, पैसे की खूब जरूरत पड़ती है। और इसीलिए यहां पर इस न्यूज में, ये फाइनेंशियल एक्सप्रेस का न्यूज है, यहां पर ये बता रहा है दैट अगर पैसे में पॉवर्टी देखी जाए तो ज्यादा है साउथ एशिया में और ऑल डेवलपिंग कंट्रीज में भी, और इंडिया में स्पेसिफिकली पैसे को लेकर पॉवर्टी ज्यादा है, लेकिन मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी के हिसाब से पॉवर्टी कम है इन कंट्रीज में। अच्छा, व्हाट डज दिस सिग्निफाई, ये देखिए पॉकेट में पैसा नहीं, लेकिन लेकिन गरीब नहीं है एमपीआई के हिसाब से, क्यों, क्योंकि आप एक्सेस कर रहे हैं रिसोर्सेज गुड्स एंड सर्विसेज, यू आर गेटिंग इट विदाउट पेइंग मनी इन द फॉर्म ऑफ सब्सिडीज फ्रॉम द गवर्नमेंट, डू यू एग्री, टेल मी। यही इसमें लिखा था और मुझे बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक लगा, पॉवर्टी का मेजरमेंट केवल कैलोरीज या मनी से नहीं होता है, एमपीआई से भी होता है। पॉवर्टी लेवल मेजर करने के लिए अलग अलग बनाए गए थे कमिटीज एंड जिन्होंने बताया था कैसे कैसे मेजर करना है, आपने सुना होगा लखदा वाला कमिटी, आपने सुना होगा स्टूडेंट्स तेंदुलकर कमिटी, आपने सुना होगा रंग राजन कमिटी, ठीक है। और देखिए यहां देखिए क्या लिखा हुआ है, हैव अ लुक। सो दिस पॉवर्टी फेल बाई 140 मिलियन बिटवीन 2015-16 एंड 2019-21 कंपेयर टू अ डिक्लाइन ऑफ 275 मिलियन बिटवीन 2005-06 एंड 2015-16। डिस्पाइट प्रोग्रेस इंडियाज पॉपुलेशन रिमेन्स वल्नरेबल टू द माउंटिंग इफेक्ट्स ऑफ द पैंडेमिक एंड टू राइजिंग फूड एंड एनर्जी प्राइसेस। इंटीग्रेटेड पॉलिसीज टैकलिंग द ऑनगोइंग न्यूट्रिशन एंड एनर्जी क्राइसिस शुड बी गिवन अ प्रायोरिटी। और देखिए यहाँ लिखा हुआ है, हैव अ लुक टू मिनट्स, यहाँ लिखा हुआ, यस द टेबल कंपेयर्स मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी विद मॉनेटरी पॉवर्टी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड मॉनेटरी पॉवर्टी, ये देखिए पैसे की पॉवर्टी, एंड मेजर्ड बाई द परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन लिविंग बिलो 2011 परचेजिंग पावर पैरिटी और $1.90 पर डे। ये देखिए ये मॉनेटरी पॉवर्टी है। द टेबल रिवील्स दैट मॉनेटरी पॉवर्टी ओनली टेल्स पार्ट ऑफ द स्टोरी। द हेड काउंट और इंसिडेंस ऑफ मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी 6.1% लोअर देन द इंसिडेंस ऑफ मॉनेटरी पॉवर्टी। दिस इंप्लाइज दैट इंडिविजुअल्स लिविंग बिलो द मॉनेटरी पॉवर्टी लाइन मे हैव एक्सेस टू नॉन इनकम रिसोर्सेज। यस, इसका मतलब साफ है, पैसे नहीं भी हैं फिर भी हो सकता है, मीन्स पैसे नहीं है वो ज्यादा लोग हैं, अगर पैसे के हिसाब से आप चेक कीजिएगा इंडिया में पॉवर्टी तो, और अगर एमपीआई के हिसाब से चेक कीजिएगा तो कम लोग गरीब हैं, क्यों, क्योंकि पैसे नहीं होने के बावजूद उनके पास नॉन इनकम रिसोर्सेज हैं। एग्जांपल मैं एग्जांपल दे रहा हूं, पैसा नहीं है, पैसे से आप जाकर फ्यूल खरीद रहे थे, एलपीजी गैस सिलेंडर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, जाकर लकड़ी लेते आएंगे, कोयला लेते आएंगे कहीं से, बात समझ में आ रही है, टेल मी, That's clearly signifies you don't need money to take up to bring the firewood. Is it clear? ऐसी करके तो नॉन इनकम रिसोर्सेज हैं आपके पास आस पास में जो आपको गरीबी में भी मदद दे रहे हैं, यही यहां लिखा हुआ है। तो आप बोलेगा सर इस टॉपिक को कहाँ अटैच करना है, various methods of measuring poverty, very very important, various methods of measuring poverty। और इसके अलावा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना ये भी बता रहा है, ये भी दिखा रहा है दैट फूड तो मिल रहा है लोगों को, ठीक है, और इसके कारण शायद अगर नहीं मिलता फूड तब जाकर और ज्यादा गरीबी होती, दैट्स इट।
तो मेथड्स ऑफ मेजरिंग पॉवर्टी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स। और ये देखिए टेबल देखिए मेजर कर रहा है इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, साउथ एशिया की पॉवर्टी ये देखिए, एंड ये मेजर कर रहा है, कंपैरेटिव है यहाँ पर, ये यहीं से ये आया है पॉइंट दैट इन स्पाइट ऑफ लैकिंग मनी इंडियंस हैव एक्सेस टू नॉन इनकम रिसोर्सेज विच पुट्स ऑफ द प्रेशर। यस, इसीलिए मैंने देखा है गांव में, आपने देखा होगा स्टूडेंट्स, गांव में आज की तारीख में, गांव में इन द विलेजेस इन द फैमिलीज देर इज लैक ऑफ कैश। क्या कैश सप्लाई की दिक्कत होती है मुझे बता दीजिए। यस, कैश सप्लाई गांव में बहुत कम होता है। जो फार्मिंग कम्युनिटीज है उनके यहाँ तो मीन्स इफ यू फाइंड 5,000-10,000 कैश इन द पॉकेट्स, इट्स ह्यूज। एंड ट्राइबल्स के लिए स्पेशली ये बहुत ज़्यादा अमाउंट हो जाता है। इसीलिए यहाँ लिखा हुआ है दैट दिस इन स्पाइट ऑफ नॉट हैविंग कैश दे हैव एक्सेस टू नॉन इनकम रिसोर्सेज। तो चलिए, दिस इज द पॉइंट विच आई वॉन्ट टू मेक इट क्लियर थ्रू दिस फाइनेंशियल एक्सप्रेस न्यूज सिनॉप्सिस। आइए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक आइए बढ़ चलते हैं। इंटरनेशनल रिलेशंस में पहला न्यूज, वी डोंट बिलीव इन हायरार्कियल वर्ल्ड। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह टेल्स अफ्रीकन नेशंस दैट इंडिया कैन पार्टनर विद देम टू फुलफिल देयर मिलिट्री रिक्वायरमेंट्स एंड कंट्रीब्यूट टू ट्रेनिंग। अफ्रीका इंडिया डिफेंस डायलॉग गांधीनगर में हो रहा था। ये देखिए IADD, हैव अ लुक, इंडिया अफ्रीका डिफेंस डायलॉग इन गांधीनगर एंडेड एट द दिस डिफेंस एक्सपो 2022 एंड अ गांधीनगर डिक्लेरेशन वाज अडॉप्टेड। गांधीनगर डिक्लेरेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, ये देखिए, हैव अ लुक। तो हैव अ लुक स्टूडेंट्स, इंडिया डज नॉट बिलीव इन अ हायरार्कियल वर्ल्ड ऑर्डर वेयर अ फ्यू कंट्रीज आर कंसिडर्ड सुपीरियर टू अदर्स। हायरार्की में इंडिया बिलीव नहीं करता है। ये देखिए, इंडिया बिलीव्स इन समथिंग कॉल्ड एज द वसुधैव कुटुंबकम कंसेप्ट, दैट इज ऑल आर इक्वल एंड ऑल आर वन फैमिली। तो इंडिया अफ्रीका रिलेशंस गांधी नगर डिक्लेरेशन, ये देखिए, अडॉप्टेड टू एनहांस कोऑपरेशन इन द फील्ड्स ऑफ ट्रेनिंग एंड मिलिट्री एक्सरसाइजेस। इंडिया कह रहा है कि आई विल पेव द वे फॉर द डिफेंस डेवलपमेंट ऑफ ऑल दीज कंट्रीज। विच कंट्रीज, थोड़ा ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, इंडिया ने फोकस किया है कुछ देशों के ऊपर, वेस्ट एशिया कंट्रीज ये देखिए, साउथ ईस्ट एशिया कंट्रीज ये देखिए स्टूडेंट्स, एंड अफ्रीकन नेशंस। इंडिया का डिफेंस फोकस केवल ट्रेनिंग पर ही नहीं है, एक्सपोर्ट्स पर भी, एक्सपोर्ट्स ऑफ वेपन्स नहीं, और एक्सपोर्ट्स ऑफ वेपन्स में अभी जस्ट अभी आज का न्यूज है दैट ब्रह्मोस मिसाइल के लिए इंडोनेशिया, मलेशिया और वियतनाम और खरीदने को रेडी है। इंडोनेशिया, मलेशिया और वियतनाम से बात चल रही है, साफ साफ दिखा रहा, इंडिया इज कीन ऑन फोकसिंग अपॉन दोज रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड विच हैव ग्रोन वेरी ऑफ चाइना और US और रशिया, और वहीं पर इंडिया सप्लाई करेगा। इसीलिए इंडिया ने कहा दैट रक्षा मंत्री इन्वाइट्स अफ्रीकन नेशंस टू एक्सप्लोर इंडियन डिफेंस इक्विपमेंट एंड टेक्नोलॉजीज, सेज रोबस्ट इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम कैन फुलफिल इंटरनेशनल रिक्वायरमेंट्स। ये देखिए, इंडियन ओशन रीजन को अगर सिक्योर बनाना है, सेफ बनाना है, सेफ मैरिटाइम बेल्ट बनाना है, तो हायरार्कियल वर्ल्ड ऑर्डर के खिलाफ में जाना पड़ेगा। ये देखिए, आवर फोकस इज ऑन ह्यूमन इक्वालिटी एंड ह्यूमन डिग्निटी, दिस इज व्हाट इंडिया डिक्लेयर्ड इन द गांधी नगर डिक्लेरेशन। सवाल ये आ सकता है, ये देखिए, गांधी नगर डिक्लेरेशन क्या है, ये सवाल निकल सकता है स्टूडेंट्स। तो इंडिया अफ्रीका डिफेंस डायलॉग, तो ये देखिए PIB से मैंने पुट अप कर दिया यहां पर एक स्टेटमेंट, गांधीनगर डिक्लेरेशन प्रपोजेस टू एनहेंस कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ ट्रेनिंग इन ऑल एरियाज ऑफ म्यूचुअल इंटरेस्ट बाय इंक्रीजिंग ट्रेनिंग स्लॉट्स, डेप्यूटेशन ऑफ ट्रेनिंग टीम्स, एम्पावरमेंट, कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ डिफेंस फोर्सेज ऑफ अफ्रीका, पार्टिसिपेशन इन एक्सरसाइजेज, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस ड्यूरिंग नेचुरल डिजास्टर्स। इंडिया ऑफर्ड फेलोशिप फॉर एक्सपर्ट्स फ्रॉम अफ्रीकन कंट्रीज थ्रू मनोहर परिकर इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस। ये देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट, इंडिया अफ्रीका डिफेंस डायलॉग। चलिए आगे बढ़ते हैं, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया अफ्रीका रिलेशंस एंड दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर, सवाल आ सकता है UPSC में अगले साल दैट डिफेंस द फोकस ऑन डिफेंस या डिफेंस रिलेशंस, रिलेशंस इन डिफेंस एक्सपोर्ट्स एंड ट्रेनिंग आर अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। एग्री कर रहे हैं मुझे बताइए। आइए बढ़ चले स्टूडेंट्स अगले टॉपिक की तरफ, स्टेप अप ग्लोबल एफर्ट्स टू डिफीट क्राइम सेज मोदी। व्हेन थ्रेट्स आर ग्लोबल रिस्पॉन्स कैन नॉट बी लोकल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट कम्स अप, थ्रेट्स आर ग्लोबल रिस्पॉन्स कैन नॉट बी लोकल,
रेस्पॉन्स कैनॉट बी लोकल। और इसी को लेकर इंटरपोल के इस मीटिंग में ये स्टेटमेंट जारी किया गया। ये देखिए, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन ट्यूसडे कॉल्ड फॉर एनहांस्ड ग्लोबल कोऑपरेशन टू डिफीट द थ्रेट्स ऑफ टेररिज्म। ये देखिए, टेररिज्म, करप्शन, ऑल दिस आर ट्रांसनेशनल क्राइम्स। मुझे बताइए, ट्रांसनेशनल करप्शन, ड्रग ट्रैफिकिंग, ये देखिए, ड्रग ट्रैफिकिंग, पोचिंग एंड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स। ये देखिए, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स बढ़ गए हैं। अब कहा जाता है क्रिमिनल्स आर मोर ऑर्गेनाइज्ड देन द ग्लोबल फोर्सेस, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ऑफ द वर्ल्ड। एंड यहां पुट अप किया गया, देखिए यहां पर, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन ट्यूसडे कॉल्ड फॉर एनहांस्ड ग्लोबल कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ टू डिफीट द थ्रेट्स ऑफ टेररिज्म, करप्शन, ड्रग ट्रैफिकिंग, पोचिंग, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स, स्टेटिंग दैट देयर कैन बी नो सेफ हैवन्स फॉर द परपेट्रेटर्स ऑफ सच ऑफेंसेज, नो सेफ हैवन। ये देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। And at a time when nations and societies are becoming inward-looking, India called for more international cooperation. Global cooperation for local welfare is our call. बहुत important essay का topic. Global cooperation for local welfare. I repeat, global cooperation for local welfare. ये थोड़ा कोशिश कीजिएगा लिखने का students. कैसे global level के collaborations and institutions and governance हेल्प करेगा लोकल वेलफेयर में। ये देखिए, इंटरपोल का हेडक्वार्टर्स, इंटरपोल के हेडक्वार्टर्स जैसे लियोन्स में है फ्रांस में, उसका एक एजेंसी, एक ऑफिस, एनबीसी नेशनल ब्यूरो करके कुछ होता है, वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इंडिया में लोकेटेड है। हर कंट्री में उसका एक ऑफिस, नेशनल ब्यूरो लोकेटेड होना चाहिए जो भी मेंबर कंट्रीज हैं, और इंडिया में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में है। मैं ये भी बता दूं, इंटरपोल का असेंबली, इंटरपोल के जो मेंबर नेशंस हैं उनकी जनरल असेंबली अलग है, इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ यूएन, इंटरपोल इज नॉट अ पार्ट ऑफ यूएन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, ये देखिए, शायद ये 2-3 days बैक हो सकता है कंफ्यूजन रहा हो, इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ यूएन, इतना याद रखिएगा। तो यहां लिखा हुआ है, ही सेड दैट there was a need to further develop international strategies for setting up early detection and warning systems, protecting transportation services, securing communication infrastructure and critical infrastructure, enhancing tech assistance, technological assistance and intelligence exchange. You can see it here. So this is all about Interpol ka second sabse bada meeting India mein. The first meeting was in 1997. Uske baad 25 saal ke baad ye meeting ho rahi hai. Ye dekhiye. 4-day मीटिंग, 90th इंटरपोल जनरल असेंबली मीट। ये देखिए, तो ये बता रहे हैं कि अब दिस ग्लोबल जो क्राइम्स हैं उसके लिए लोकल एक्शंस नहीं है काफी, इसके लिए रेड कॉर्नर नोटिस जारी करना जरूरी है, कोऑपरेशन जरूरी है। और आप कहिएगा कि सर क्या ये क्राइम के ही फील्ड में है ग्लोबल कोऑपरेशन फॉर लोकल वेलफेयर? नो, इट्स इन द फील्ड ऑफ काउंटरिंग क्राइम, ऑल्सो इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर, इन द फील्ड ऑफ सोसाइटल वेलफेयर एंड इन द फील्ड ऑफ अदर ऑल द एरियाज। ये देखिए, इकोनॉमी, सोसाइटी, साइंस एंड टेक, एनवायरमेंट कंजर्वेशन, हर जगह ग्लोबल कोऑपरेशन चाहिए लोकल वेलफेयर के लिए। मुझे बताइए, डू यू एग्री? टेल मी स्टूडेंट्स। तो दिस इज इट। तो ये यहां से बस मैंने इंटरपोल पे पहले भी बताया हुआ आपको, इंटरपोल क्या है, लास्ट वीक आया था स्टूडेंट्स ये टॉपिक द हिंदू में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। US hands over 307 antique items valued at nearly $4 million to India. Joseph Biden जी ने handover कर दिया अंततः। The US authorities formally handed over 307 antiquities estimated to be worth nearly $4 million. ये कहां से यहां से गया था? मैं बार बार देखता हूं न्यूज, हर साल में 10 बार ये न्यूज आता ही है, नहीं 10 बार आता है कि ये यहाँ से वो चीज़ लाया गया वापस, वहाँ गया कैसे? मैं सोचता हूँ ये वहाँ कैसे गया, ये क्या ऑर्गेनाइज क्राइम सिग्निफाइज, ठीक है, दिस क्लियरली सिग्निफाइज दैट लूपहोल्स ज़्यादा थे, लूपहोल्स ज़्यादा हैं लॉ एनफोर्समेंट में, इस फील्ड में, इसीलिए ये सब चीज़ इंडिया से बाहर एक्सपोर्ट हो जाते हैं। ये देखिए, नहीं
यूएस अथॉरिटीज देखिए देवर रिकवर्ड फ्रॉम इंटरनेशनल स्मगलर सुभाष कपूर आर्ट गैलरी। देखिए क्या बात है, स्मगलर है और आर्ट गैलरी बना लिया है, कैसा स्मगलर है भाई। देखिए अदर आर्ट गैलरीज एज वेल एज मल्टीपल ट्रैफिकिंग नेटवर्क्स, तो ये भी इसका भी ग्लोबल ट्रैफिकिंग चल रहा है। अभी तक ड्रग ट्रैफिकिंग सुना था, ह्यूमन ट्रैफिकिंग सुना था, अब एंटीकिटीज ट्रैफिकिंग। ये देखिए और विदेशों में क्या होता है ना, खूब सारा पैसा होता है, नहीं खूब सारा पैसा होता है, तो अब पैसा खर्च करने का जगह नहीं मिल रहा है। इट्स लाइक चलो यार ये खरीद लेते हैं, चलो यार वो खरीद लेते हैं, चलो ऐसे खरीद लेते हैं। तो एज मेनी एज 235 ऑफ द एंटीक्विटीज वर सीज्ड परसुएंट टू एन इन्वेस्टिगेशन अगेंस्ट सुभाष कपूर हु हेल्प ट्रैफिक आइटम्स फ्रॉम इंडिया एंड अदर कंट्रीज। देखिए कितना बड़ा ये रैकेट चला रहा था इस जगह पर ये आदमी, ये देखिए। तो इंडिया यूएस रिलेशंस, उसमें एक पॉजिटिव पॉइंट ये पुट अप कर दीजिएगा, जोसेफ बाइडेन के समय में पॉजिटिव पॉइंट आना अपने आप में बड़ी बात है, नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। जापान सीक्स जीआई टैग फॉर निहोनशु एंड अल्कोहलिक बेवरेज। जापान ने आकर इंडिया के अंदर ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस रजिस्ट्री चेन्नई में अप्लाई किया है कि मुझे भी जीआई टैग देना शुरू कर दो भाई। ये देखिए तो पहली बार ये आया, ये देखिए। द एम्बेसी ऑफ जापान न्यू दिल्ली हैज फाइल्ड एन एप्लीकेशन सीकिंग जीआई टैग फॉर निहोनशु जापानीज साके एंड अल्कोहलिक बेवरेज। It is learnt that this is the first time a product from Japan has filed for a tag at GI registry in Chennai. Kya baat hai? This is called global governance. India leading from the front. Ye dekhiye. So according to details provided in the filing in Japan, Nihonshu is regarded as a special and valuable beverage made from fermenting rice. People traditionally drink Nihonshu on special occasions such as festivals, weddings or funerals. But it is also consumed on a daily basis. एंड ये पहली बार है इंडिया जापान रिलेशंस या आईपीआर में इंडिया लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। ये देखिए तो जापान ने कहा भाई मेरा भी टैग दे दो। पूछा गया क्यों टैग क्यों चाहिए भाई आपको, क्या दिक्कत है? अरे पता नहीं कल को चाइना आकर टैग के लिए अप्लाई कर देगा, मुझे पहले टैग चाहिए इसका, बस दैट्स इट। चाइना जापान में फाइट चला हुआ है बहुत तेज, अभी दोनों एनिमी कंट्रीज हैं और बहुत परेशानी की बात चल रही है उन दोनों के बीच में। अब मालूम चला कि अब लाइन मत लग जाए रजिस्ट्री ऑफिस चेन्नई में कि मुझे भी जीआई टैग चाहिए, मुझे भी जीआई टैग चाहिए। ठीक है, उसमें जोसेफ बाइडेन भी आ गए, मुझे भी जीआई टैग चाहिए। बोले किस लिए जीआई टैग चाहिए आपको, कुछ लाए हैं किस चीज़ का जीआई टैग, क्या आपका जीआई टैग होना चाहिए? मीन्स आउट हेयर जीआई टैग में इंडिया लीड कर रहा फ्रॉम द फ्रंट ग्लोबल गवर्नेंस। ये देखिए यस जी, देखिए ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग में बता दूं आपको स्टूडेंट्स, ये WTO के मीटिंग में डिसाइड, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में ही डिसाइड हुआ था जीआई टैक्स, लेकिन इंडिया के अलावा किसी कंट्री ने सीरियसली परस्यू नहीं किया है। और क्यों परस्यू करेगा ये बताइए, नहीं क्यों परस्यू करेगा कोई भी कंट्री, क्योंकि सारे कंट्री जहां पे सिविलाइजेशन पुराना है वहीं ने परस्यू करेगा। एंशियंट सिविलाइजेशन जहां जहां पर हैं वही परस्यू करेंगे, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल US में क्या हुआ था, अभी आपने आप amazon.com पे जाइएगा या किसी भी ऑनलाइन पोर्टल पर तो आपको नीम का दातुन मीन्स बिकता हुआ दिखेगा, एन नीम दातुन पैकेट में, ठीक है, $11 प्राइस ऑर्डर कर दीजिएगा, वहां से आएगा, कहां से, अमेरिका से नीम दातुन आएगा। आपके पेरेंट्स पूछेंगे, आपके पेरेंट्स बहुत खुश होंगे, क्या बात है नीम दातुन इतने दिन बाद उठाया है बेटा, बिल्कुल मीन्स इकोलॉजिकली सस्टेनेबल तरीके से जीवन जीना शुरू किया है। फिर वो पूछेंगे कहाँ से लाया नीम दातुन, आप बोलेगा amazon.com से, तब उन्हें समझ में आ जाएगा इकोलॉजिकली यू माइट बी सस्टेनेबल, इकोनॉमिकली यू आर लीडिंग अ अनसस्टेनेबल लाइफ, नहीं मुझे बताइए। तो उस 1990s में नीम और हल्दी इन दो चीजों के ऊपर वहां पर अप्लाई कर दिया था यूएस में अप्लाई कर दिया गया था कि इसके प्रोडक्ट्स मेरे पेटेंट हैं वहां की कंपनीज ने, तो इट वाज लाइक इंडिया वाज लाइक ये तो हमारे घर में पाया जाता है, नहीं ये तो मेरे घर में पाया जाता है। यूएस वाज लाइक देखो मैंने क्या खोज निकाला आज, बोले क्या खोजे हो, देखो नीम का पेड़ तो हमारे यहाँ घर घर में है तो क्या दिक्कत है, नहीं इसके अंदर वो प्रॉपर्टीज हैं जो किसी को नहीं पता है। बोले क्या प्रॉपर्टीज हैं इसके अंदर,
इसके दातुन से मींस ब्रश करने से आपको आपके टीथ लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, मतलब ये पहले से पता है हम लोगों को। उसके बाद हल्दी, हल्दी को उन्होंने पेटेंट किया। ये देखिए इसके अंदर एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज है, बोला कि हमारे यहाँ पहले से टेक्स्ट है, इंडिया हैड टू गो टू द ग्लोबल कोर्ट्स टू गेट इट अंडन। ये तो ये लोग यही करते, नीम हमारे यहाँ का है, हल्दी हमारे यहाँ का है, ठीक है। तो इसी को लेकर चल रहा था 1990s में। अब बताइए तो क्या एंशियंट सिविलाइजेशन एंड एंशियंट जहां जहां चला है वहीं ना सब कुछ, वहीं अपने सेफ गार्ड्स के लिए सब कुछ करना पड़ेगा। अब अमेरिका में और यूके में दे तो डोंट नीड एनीथिंग, वो मॉडर्न सिविलाइजेशन हैं, दैट्स इट। तो अमेरिका में क्या चाहिए, बस जोसेफ बाइडेन है वहां पर। तो देखिए द एम्बेसी ऑफ जापान ने ये फाइल किया है, और इसीलिए इंडिया क्यों इतना आगे बढ़ा, कल को ये मत हो जाए कि जो वेस्ट बंगाल और ओडिशा रसगुल्ला के लिए जीआई टैग के लिए फाइट कर रहे थे 2 साल से, मालूम चला कल को वहां से इजिप्ट आ गया, नहीं रसगुल्ला मेरे यहाँ का है, या कल को जर्मनी आ गया कि नहीं रसगुल्ला मेरे यहाँ का, तो दिक्कत की बात है। ओके, मालूम चला आप जो मिसल पाव और वड़ा पाव खाते हैं, कल को फ्रांस आ गया वड़ा पाव मेरे यहाँ का प्रोडक्ट है, दिक्कत की बात हो जाएगी स्टूडेंट्स। So this is the concept of GI tag. GI tag is needed for those regions, for those products जहाँ पर geographically बहुत long lasting और culture का part है और हमें safeguard करना है। ये देखिए तो चलिए आगे बढ़ जाए। ऐसे भी मैक्रॉन जी का भी दिन ठीक नहीं चल रहा है फ्रांस में, inflation skyrocketing prices के कारण लोग आ गए हैं सड़कों पर, ठीक है वहाँ पर। अभी जस्ट मैंने आज सुबह एक वीडियो देखा मैक्रोन का, मैक्रोन के खिलाफ, मैक्रोन का सेकंड टर्म है फ्रांस के प्रेसिडेंट का। बोले सर फ्रांस का आप क्यों पढ़ा रहे हैं, अरे भाई देखिए फ्रांस का भी पढ़ना पड़ेगा, फ्रांस का प्रेसिडेंट का इस बार आ गया है मेंस में क्वेश्चन, इतने हल्के में फ्रांस को और मैक्रोन को ना लीजिएगा आप लोग। ओके, तो दिस स्काई रॉकेटिंग प्राइसेज, ऐसे भी फ्रांस में बहुत दिक्कत चल रही है। उधर यूके का अलग ही कंसेप्ट है आज टैक्स, यूके की प्राइम मिनिस्टर से पूछा गया पहले डिसाइड कर लीजिए पहले से, ये यूपीएससी के एस्पिरेंट्स की तरह मत बिहेव कीजिए। या सुबह डिसाइड किया कि 10 घंटे पढ़ना है, फिर 1 घंटे बाद डिसाइड किया नहीं कल से 10 घंटे पढ़ेंगे, आज केवल 10 मिनट पढ़ेंगे, ऐसे नहीं होता है, देश ऐसे नहीं चलता है। तो दिस यूके प्राइम मिनिस्टर रोज सुबह एवरीडे इन द मॉर्निंग वॉज लाइक डोनाल्ड ट्रंप का, जैसे कि अवेट होता था कि अब ये क्या बोलेगा ये बंदा। तो वैसे ही वो बोल रही थी अभी एक दिन, बोले कि टैक्स कंप्लीट टैक्स खत्म कर दिया जाएगा, इनकम टैक्स रिबेट, कॉरपोरेट टैक्स रिबेट। बोले तो पैसा कहाँ से आएगा, तो पैसा कहाँ से आता है, यहीं से आता है क्या, पहले क्यों नहीं बताया। फिर नेक्स्ट डे वो उठती हैं और बोलती हैं ऐसा है, नहीं गलती से बोल दिया था, इनकम टैक्स रिबेट नहीं होगा, कॉरपोरेट टैक्स रिबेट नहीं होता, तक पीपल आर पार्टिंग अपॉन द रोड्स, भाई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, क्या बात है। ये देखिए यूके इज गोइंग इन सेपरेट रिसेशन, फ्रांस में सेपरेट टॉपिक, फ्रांस में सेपरेट प्रॉब्लम्स, और उसके ऊपर से चाइना का जीरो कोविड स्ट्रेटजी हैज प्लमेटेड द डिमांड अक्रॉस द वर्ल्ड। डू यू एग्री, टेल मी स्टूडेंट्स। ये सब मैं क्यों बता रहा हूं, आज की तारीख में अनसर्टेनिटी, ये देखिए अनसर्टेनिटी, ग्लोबल अनसर्टेनिटी चला हुआ है। इट्स नॉट बिकॉज ऑफ द कंडीशंस, इट्स बिकॉज ऑफ द लीडरशिप दैट द ग्लोब हैज बिकम अनसर्टेन, दैट्स इट। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है इससे आगे बढ़ते हैं। श्रीलंकन ऑथर शिहान करुणा तिलक विंस बुकर प्राइज फॉर आफ्टर लाइफ थ्रिलर। श्रीलंकन ऑथर बुकर प्राइज, मान बुकर प्राइज 2022। ये देखिए द 7 मून्स ऑफ माली अल्मीडा, ये देखिए। तो ये यूपीएससी में तो नहीं आएगा पर्सनैलिटी में, लेकिन मान बुकर प्राइज के ऊपर डिटेल्स आ सकते हैं, एंड स्टेट सर्विस एसएससी और बाकी बैंक वगैरह एग्जाम्स में आ सकता है। कौन जीता इस बार मान बुकर प्राइज, ये देखिए, या कौन से कंट्री का जीते, ये देखिए। यस ओडिशा वाला केस स्टडी हो गया है, ओडिशा और वेस्ट बंगाल के बीच में सॉर्ट आउट हो गया है। मैं बोल रहा हूं कल को यूके आ गया बीच में बोलने का, दिक्कत की बात हो जाएगी ना, क्योंकि अभी यूके की प्राइम मिनिस्टर का कोई ठीक नहीं, हो क्या बोल रही है नेक्स्ट डे। तो क्या ये क्लियर है स्टूडेंट्स, मुझे बताइए। मान बुकर प्राइज बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर स्टूडेंट्स। तो ये मान बुकर प्राइज 1969 से दिया जा रहा है, मैं बता दूं आपको, पहले इसका नाम था बुकर प्राइज फॉर फिक्शन, ठीक है,
बुकर प्राइज फॉर फिक्शन इसका नाम था, लेकिन 2002 से इसका नाम पड़ा मान बुकर प्राइज। ये देखिए इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, ये देखिए एंड दिस इज इट, और इसके बारे में डिटेल्स देख लीजिएगा। मैंने एक बार पढ़ाया हुआ शायद आप लोगों को स्टूडेंट्स दिस बुकर प्राइज के बारे में। So that's it about international relations and institutions and personalities in news. Next, government raises support price of 6 Rabi crops. ये देखिए Rabi और Kharif crops के बीच में आ जाएगा pairs, बहुत important है students। कल को ये मत कहिएगा कि आपने सर बताया नहीं हमें, आज की तारीख में pairs आ रहे हैं और UPSC aspirants चले जा रहे हैं, ठीक है। pairs का मतलब जो लोग 2022 का पेपर दिए उनके समझ में आ गया कि pairs का real मतलब क्या होता है। ये देखिए तो हाउ मेनी पेयर्स आर करेक्टली मैच, तो रबी देखिए रबी क्रॉप में कौन कौन से क्रॉप का इंक्रीज किया गया, ये देखिए लिखा हुआ है। और बाय डिफॉल्ट मुझे बस इतना लग रहा है साफ साफ दैट टेक्निकल, देखिए मसूर, मसूर का प्राइस सबसे ज़्यादा इंक्रीज किया गया, मसूर रबी ऐसे करके आएगा सीजन वाइज, और आपको मैच करना पड़ेगा क्या सही है पेयर्स या नहीं है सही, ठीक है। सो ये सिक्स रबी क्रॉप्स में मसूर भी है, मसूर का सबसे ज़्यादा प्राइस बढ़ाया गया है। तो ये बताइए मसूर इज इट ऑल्सो अ लेग्यूम क्रॉप, टेल मी इन द चैट बॉक्स स्टूडेंट्स, क्या ये लेग्यूम क्रॉप है मुझे बता दीजिए। ये देखिए लेग्यूम क्रॉप है, एंड ये सवाल पहले आ चुका है ऐसे लेग्यूमिनस क्रॉप है कि नहीं विद द दिस विद द नेम ऑफ द क्रॉप, ठीक है। आया था कुछ इसके बारे में शायद सहजन के बारे में, मोरिंगा के बारे में सुना होगा आपने, ठीक है, मोरिंगा और इमली के बारे में आया था। यूपीएससी ऑल्सो वॉन्ट्स यू टू फोकस अपॉन एवरी थिंग नाउ, केवल किताब पढ़कर नहीं होगा, ओके। तो मसूर इज अ रबी क्रॉप, इतना याद रखिएगा। और यहाँ पर और सिक्स क्रॉप्स कौन कौन से हैं आप यहाँ से निकाल लीजिएगा स्टूडेंट्स, दैट्स इट। एंड लास्ट न्यूज आज का, कल ही मैंने ये पुटअप किया था पीडीएफ में, रदलीप महलनबिस पासिस अवे, हाउ ही केम अप विद ORS विच रेवोल्यूशनाइज्ड डायरिया ट्रीटमेंट। ORS सुना है आपने, टेल मी स्टूडेंट्स, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। 71 में बांग्लादेश लिबरेशन वॉर के समय ये लेकर आए थे, डायरिया के डेथ कम हो गए इसके बाद। आपने देखा होगा आप इलेक्ट्रॉल पीते हैं जब भी डायरिया होता है, और जब डायरिया नहीं हो, डायरिया के समय जब इलेक्ट्रॉल नहीं होता है घर पे, तो आप नमक चीनी का घोल पी लेते हैं, एक चम्मच चीनी, एक चुटकी नमक और एक ग्लास पानी, आप पुटअप करते हैं एंड देन यू टेक अप, इससे आपका आपकी जान बच जाती है। यस, कॉलेरा एंड सर्टन अदर डिजीजेज, डिसेंट्री डायरिया, जो भी फीको ओरल रूट से जिसका इन्फेक्शन फैलता है, यानी गंदे पानी से, गंदे खाने से मींस या इन्फेक्टेड खाने से, वो सारी बीमारियों में ज़रूरी पड़ता है कि आप अपने आप को रिहाइड्रेट करते रहिए, क्योंकि आप डिहाइड्रेट हो जाते हैं, डिहाइड्रेशन अकर्स, और उसके लिए रिहाइड्रेशन ज़रूरी पड़ता है। क्यों, क्या केवल पानी की जरूरत है शरीर के अंदर, नहीं, आयंस की भी जरूरत है, आयंस, ये देखिए, और यही आयंस मिलते हैं आपको इलेक्ट्रॉल या नमक चीनी के घोल में। ये देखिए क्या होते हैं इसके अंदर, हैव अ लुक। और हाँ, अगर कुछ ज्यादा ही डायरिया डिसेंट्री हो जाता है तो एडमिशन कराना पड़ता है अस्पताल में, जहां पर आईवी सलाइन दिया जाता है और आईवी ग्लूकोज दिया जाता है, देखा होगा आपने स्टूडेंट्स, नहीं। So to convince people the new treatment would work, they were told it was an oral form of saline. The oral solution that we elected to use consisted of 22 gram glucose, 3.5 gram sodium chloride and 2.5 gram sodium bicarbonate. यही तीन चीज होता है normal ORS जो घर में prepare होता है उसमें। आप केवल नमक चीनी लेते हैं, baking soda नहीं लेते हैं, क्योंकि baking soda भी मिलावट भरा आ रहा है। अभी तो नमक में भी plastic मिल रहा है। तो ये देखिए यहाँ पर नॉर्मल मींस जब ये शुरू किया गया उस समय ग्लूकोज, सोडियम क्लोराइड एंड बेकिंग सोडा एक लीटर पानी में इन तीनों को मिलाकर, और उसका सिंपलेस्ट फॉर्मूला कॉलेरा के पेशेंट्स को दिया गया एंड दे सर्वाइव, दैट्स इट।
और ये दिखा रहा है दैट देखिए ORS में क्या है, द यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री हैज पॉपुलराइज्ड गाइडलाइंस ऑन प्रिपेयरिंग एंड यूजिंग ORS अवेलेबल इन पाउडर फॉर्म एट हेल्थ सेंटर्स एंड केमिस्ट. तो ORS मस्ट नॉट बी एडेड, ORS मस्ट बी एडेड ओनली टू वाटर एंड नॉट टू मिल्क सूप और फ्रूट जूस और एनी सॉफ्ट ड्रिंक. ऐसा नहीं कि अब दूध के अंदर नमक चीनी मिलाकर बेकिंग सोडा मिलाकर पी रहे हैं या सूप में डाल दिए, नहीं, पानी में पीना जरूरी है. और कितने लोगों को इलेक्ट्रॉल पीने से थोड़ी दिक्कत होती है या नमक चीनी का घोल पीने से, मींस इट डजंट गो इनसाइड कंप्लीटली, कोई दिक्कत नहीं है, पीना पड़ेगा भाई वैसे ही, नहीं तो अस्पताल में एडमिट हो जाइए. तो इस जगह पर लिखा हुआ है ये कंप्लीट गाइडलाइंस आए हुए हैं यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू फॉलो द गाइडलाइंस. एंड इसके कारण आफ्टर स्टरिंग वेल, ये देखिए द सॉल्यूशन शुड बी गिवन टू द चाइल्ड फ्रॉम अ क्लीन कप एंड नॉट अ बॉटल, ये देखिए, टू अवॉइड इन्फेक्शन. So this is what is given. The National Health Portal gives a step-by-step guide to preparing formulation at home as well. 6 level teaspoonfuls of sugar and half a level spoonful of salt should be mixed with a liter of clean water. Stirred until the sugar and salt dissolve. Dissolve to nahi karega. Kha lijiyega uske saath mein. Kya dikkat hai? So ye dekhiye yahan par. This is very important. And Dr. Dilip Mahalanobis ka ye discovery 1971 के बांग्लादेश लिबरेशन वॉर में इसको लैंसेट ने कहा, लैंसेट हेल्थ रिपोर्ट निकालता है हर साल, उसने कहा द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेडिकल डिस्कवरी ऑफ 20th सेंचुरी. ये देखिए, और इसके लिए इनको प्राइज दिया गया. ये प्राइज का नाम देखते हैं स्टूडेंट्स, लेट सी द नेम ऑफ द प्राइज व्हाट ही गॉट. इन 2002 डॉक्टर दिलीप महलानोबिस अलॉन्ग विद डॉक्टर नेथनिल पियर्स वॉज अवॉर्डेड पोलिन प्राइज बाई कोलंबिया यूनिवर्सिटी, कंसिडर्ड द इक्विवेलेंट ऑफ नोबल इन पीडियाट्रिक्स. ये देखिए, ये क्या है सर, कल भी नोबल इन जूलॉजी आ गया, आज नोबल इन पीडियाट्रिक्स आ गया. बच्चा बाल रोग विशेषज्ञों में ये नोबल प्राइज माना जाता है पोलिन प्राइज. अब क्या कीजिएगा, सिलेबस बढ़ रहा, थोड़ा पढ़ लीजिए, क्या दिक्कत है. देखिए, क्योंकि पेयर्स में आ गया पोलिन प्राइज इज गिवन इन पीडियाट्रिक्स. ये देखिए, कल भी आया था एक लिनियन प्राइज, कुछ याद कीजिए, इज गिवन इन जूलॉजी. तो ये पेयर्स याद कर लीजिएगा, नहीं तो चले जाइएगा काम से प्रीलिम्स में. प्रीलिम्स में अब कहाँ फोकस शिफ्ट करा यूपीएससी का, नो वन नोस आउट हियर. सो दीज आर ऑल अबाउट द दिस ORS ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन फॉर द किड्स एंड फॉर द ओल्ड एजेड, जो सबसे ज़्यादा जिनके अंदर मोर्टैलिटी होती है. ये देखिए, इन्फेंट्स में और यंग चिल्ड्रन में सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है इन डेवलपिंग कंट्रीज. ये देखिए, आइए आगे बढ़ चलते हैं. आज का लास्ट न्यूज़, वाटर ग्रीन क्रैकर्स, हाउ डू वी आइडेंटिफाई देम. अकॉर्डिंग टू NGT, ग्रीन क्रैकर्स आर परमिटेड ओनली इन सिटीज एंड टाउन्स वेयर एयर क्वालिटी इज मॉडरेट और पुअर. ओके, तो ग्रीन क्रैकर्स और ट्रेडिशनल क्रैकर्स में कोई फर्क नहीं होता. ये मत होगा कि ये नहीं चाहिए कि आप जा रहे पटाखे फोड़ने के लिए. कोई पूछ रहा है कि कितना पटाखे फोड़ रहा है आपने, कहा जमीन जायदाद बेचकर पटाखे खरीद लिए. इस बार पूरा मीन्स पटाखे से ही, फायर क्रैकर से ही इस बार दिवाली मनाएंगे. तो पूछा गया, अरे तुम इतना पॉल्यूशन कॉज कर रहे हो. आपने कहा, नहीं, मैं ग्रीन क्रैकर्स मैंने लिया है. इतना टशन में मत बोलिएगा, क्यों, वाई. ग्रीन क्रैकर्स कॉज जस्ट 30% लेस एयर पॉल्यूशन. ऐसा नहीं है कि आप कंप्लीटली एनवायरमेंट सस्टेनेबल, आपके पास सॉल्यूशन है रिगार्डिंग द क्रैकर्स. क्रैकर्स स्टिल कॉज पॉल्यूशन, केवल 30% लेस एयर पॉल्यूशन मिल रहा है ग्रीन क्रैकर से. इसलिए कोशिश ये भी मत, मींस डोंट प्रूव इट दैट आई एम परचेजिंग ग्रीन क्रैकर्स एंड आई एम डूइंग बिग थिंग इन द वर्ल्ड एंड ऑल दैट. ओके, ग्रीन क्रैकर्स रिड्यूस एमिशन सब्सटेंशियली एंड अब्सॉर्ब डस्ट एंड डोंट कंटेन हैजार्डस एलिमेंट्स लाइक बेरियम नाइट्रेट. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, ये देखिए, टॉक्सिक मेटल्स इन ट्रेडिशनल क्रैकर्स आर रिप्लेस विद लेस हैजार्डस कंपाउंड्स, बट स्टिल देयर आर हैजार्डस कंपाउंड्स, दैट्स इट. तो देर आर 3 टाइप्स ऑफ ग्रीन क्रैकर्स, 3 कैटेगरीज. ये देखिए, पहला SWAS, सेकेंड सफल SAFAL एंड थर्ड इज स्टार. ये देखिए, SWAS सेफ वाटर रिलीजर, ये देखिए. एंड इसके इस फायर क्रैकर, ये पटाखे के साइड में एक स्मॉल वाटर पॉकेट होता है. जैसे ही मींस द फायर क्रैकर्स बर्स्ट, उसके बाद ड्रॉपलेट्स आर रिलीज एंड इससे काउंटर होता है एमिशंस, दैट्स इट. अब ये अलग बात है कि पहले ही अगर पानी लग गया पटाखे को तो फिर तो खत्म,
ठीक है, पैसा भी खत्म, कुछ नहीं हो पाएगा। तो सेफ वाटर रिलीजर सप्रेसेस द डस्ट रिलीज बाय रिलीजिंग वाटर वेपर इन द एयर, इट डज नॉट कंप्राइज पोटेशियम नाइट्रेट एंड सल्फर एंड द पर्टिकुलेट डस्ट रिलीज विल रिड्यूस अप्रॉक्सिमेटली बाय 30%। सिमिलरली स्टार इज द सेफ थर्माइट क्रैकर विच डज नॉट कंप्राइज पोटेशियम नाइट्रेट एंड सल्फर, एमिट्स रेड्यूस पर्टिकुलेट मैटर डिस्पोजल एंड रेड्यूस साउंड इंटेंसिटी। एंड सफल सेफ मिनिमल एल्यूमिनियम, ये देखिए तो स्वस स्टार एंड सफल क्या है, अगर आ गया क्या है, आपका नाम है जो से बाइडन का कोई इनिशिएटिव है, पटाखे के क्वालिटीज हैं, मींस अलग अलग ग्रीन क्रैकर्स के क्या हैं, आपको मार्क करना पड़ेगा। तो मिनिमल यूसेज ऑफ एल्यूमिनियम एंड यूज्ड मैग्नीशियम इंस्टेड, ये देखिए तो मैग्नीशियम का इस्तेमाल हो रहा है इंस्टेड ऑफ एल्यूमिनियम, ये भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स। इट एंश्योर्स रिडक्शन इन साउंड इन कंपैरिजन ट्रेडिशनल क्रैकर्स, तो एल्यूमिनियम का इस्तेमाल कम, मैग्नीशियम का इस्तेमाल ज़्यादा, और ऐसे क्या होता है ना, पटाखे फायर क्रैकर्स बस्ट करते हैं आप, साउंड होता है बहुत तेज, यू आर लाइक वेरी हैप्पी, ठीक है, ज़्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, अब नहीं आवाज़ आएगा, क्यों, सफल सेफ मिनिमल एल्यूमिनियम, मालूम चला फायर क्रैकर बस्ट करके आपको पता भी नहीं चला। तो सफल स्टार एंड स्वस, ये देख लीजिएगा स्टूडेंट्स, थ्री टाइप्स ऑफ फायर क्रैकर्स एयर पॉल्यूशन साउंड पॉल्यूशन दोनों रोक रहा है, एयर पॉल्यूशन में पार्टिकुलेट मैटर ऑल्सो हार्मफुल एमिशंस दोनों रोक रहा है, दैट्स इट। ये देखिए जो ट्रेडिशनल क्रैकर्स हैं उनके बारे में थोड़ा देख लीजिए, ट्रेडिशनल क्रैकर्स स्टूडेंट्स जो पुराने क्रैकर्स थे, क्रैकर्स रिलीज सेवरल टॉक्सिक मेटल्स दैट कैन बी हार्मफुल फॉर हेल्थ, द वाइट कलर एमिटेड थ्रू क्रैकर्स इज एल्यूमिनियम मैग्नीशियम एंड टाइटेनियम व्हाइल द ऑरेंज कलर इज कार्बन और आयरन, सिमिलरली येलो एजेंट्स आर सोडियम कंपाउंड्स व्हाइल ब्लू एंड रेड आर कॉपर कंपाउंड्स एंड स्ट्रॉन्टियम कार्बोनेट, स्ट्रॉन्टियम भी अब कलर वाइज मैचिंग नहीं आएगा यूपीएससी में, लेकिन क्या क्या पाया जाता है ट्रेडिशनल क्रैकर में ये इंपॉर्टेंट है, द ग्रीन एजेंट इज बेरियम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, या बेरियम नाइट्रेट, ये देखिए, इज दिस क्लियर, मुझे बताइए, तो बेरियम ग्रीन कलर, ये बेरियम के साथ, बेरियम को इतना याद रखना है कि ग्रीन कलर देता है ये, उसके अलावा सोडियम कंपाउंड स्ट्रॉन्टियम कार्बोनेट्स कार्बन आयरन एल्यूमिनियम मैग्नीशियम आर ऑल्सो फाउंड इन फायर क्रैकर्स, दैट्स इट, इज दिस क्लियर स्टूडेंट्स, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट ग्रीन क्रैकर्स एंड फायर क्रैकर्स, ओआरएस सॉल्यूशन एंड पोलिंग प्राइस इंपॉर्टेंट, उसके पहले रबी क्रॉप एंड खरीफ क्रॉप के एग्जाम्पल्स, मसूर इंपॉर्टेंट रबी क्रॉप देख लीजिएगा, और उसके पहले स्टूडेंट्स ये मान बुकर प्राइज 2002 से नाम पड़ा है, 1969 से इसका नाम था बुकर प्राइज फॉर फिक्शन, नोट कीजिएगा। नेक्स्ट जापान ने जीआई टैग के लिए अप्लाई किया है निहोनशु के लिए, जीआई टैग ग्लोबल गवर्नेंस, इंडिया लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, इंडिया जापान रिलेशंस यू कैन वैल्यू एड, और उसके अलावा देखिए ये देखिए एंटिक आइटम्स कमिंग अप फ्रॉम यूएस इंडिया यूएस रिलेशंस, देखिए ये सब यूएस में था, सोचिए इस सुभाष कपूर आर्ट गैलरी को और इंटरनेशनल स्मगलर को, देखिए उसके पहले स्टूडेंट्स ये देखिए ग्लोबल रिस्पांस, ग्लोबल क्राइम के लिए रिस्पांस कैन नॉट बी लोकल, ग्लोबल कोऑपरेशन फॉर लोकल वेलफेयर, नया कंसेप्ट नया वर्ड, बढ़ गया सिलेबस, बढ़ गया ऐसे का एक टॉपिक, ऐसे लिखने की कोशिश कीजिएगा, और साथ में गांधीनगर डिक्लेरेशन इंडिया अफ्रीका डिफेंस डायलॉग ये देखिए, और उसके पहले MPI मैंने पढ़ाया आपको, दैट पॉवर्टी मेजर करने का, एक होता है मॉनिटरी पॉवर्टी पैसे की पॉवर्टी, आप बोले सर मैं भी मॉनिटरी पुअर हूँ, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, एंड एक होता है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, ओके, तो मॉनिटरी पॉवर्टी से ज़्यादा MPI का मीन्स मल्टी डायमेंशनल एरियाज में पॉवर्टी चेक किया जाता है, ठीक है, अलग अलग मेथड्स हैं, क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज में सब्सिडीज दी जाती हैं, पैसा हो ना हो पॉकेट में आपको काइंड में सब्सिडी दी जाती है, कैश में नहीं, काइंड में सब्सिडी मिलती है, डू यू एग्री टेल मी। उसके अलावा स्टूडेंट्स ये देखिए जिराफ, ही देखिए हाई कंसंट्रेशन पावर, आपसे भी ज़्यादा कंसंट्रेट करके पढ़ाई कर रहा है देखिए यहाँ पर, और मीन्स फोटो जितना भी लीजिए इसे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये दिखा रहा है ये जानवर आपको दैट अपने काम पर फर्क ना पड़ने दो किसी भी इंसान का किसी भी चीज़ का, ये देखिए, और लैंटाना कैमरा और नूबियन जिराफ, नूबियन देखिए नूबियन डेजर्ट से आया है ये जिराफ। उसके अलावा स्टूडेंट्स ये देखिए स्पाइडर्स ने भी सिलेबस, एंड ऑल स्पाइडर्स आर नॉट मोनोमिनस एंड स्पाइडर्स आर फाउंड इन डाइवर्स हैबिटेट्स, इतना याद रखिएगा।
इसके अलावा सॉयल हेल्थ कार्बन, ये देखिए सॉयल ऑर्गेनिक कार्बन इज मोर देन टोटल ग्लोबल कार्बन रिमेनिंग कार्बन, वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके पहले स्टूडेंट्स, ड्रग अब्यूज, जुडिशियल एक्टिविज्म, सुप्रीम कोर्ट का निर्देश गवर्नमेंट के लिए, सुओ मोटो केस उठाया था इसने, ड्रग अब्यूज इज अ बिग बिग मिनेस, इंटरनल सिक्योरिटी प्रॉब्लम, इंटरनल सिक्योरिटी में ड्रग अब्यूज के ऊपर सवाल आ चुका है, ड्रग ट्रैफिकिंग के ऊपर, दैट्स इट। तो इसी के साथ सेवा समाप्ति की घोषणा स्टूडेंट्स, धन्यवाद। एंड मोबाइल नंबर 8329637094, 7276637094 एंड 7038899438 पर संपर्क कर लीजिएगा पेड कोर्सेज के लिए। नमस्कार, जय हिंद, एंड कम अपॉन द टेलीग्राम चैनल IAS टॉपर्स मंत्रा टू टेक अप द PDF ऑफ दिस सेशन। दैट्स इट स्टूडेंट्स, टेक केयर।